मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में 94.14 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी व लोकार्पण किए। जयराम ठाकुर ने 10.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय बलद्वाड़ा के भवन, 2.97 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोंटा पट्री घाट और तहसील बलद्वाड़ा के आसपास के गांव की बस्तियों के लिए 99 लाख रुपए की उठाऊ जलापूर्ति योजना समर्पित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज उन्होंने 14.42 करोड़ रुपए की 3 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और 79.72 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास की गति प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने उद्घाटन और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। उन्होंने लोगों को इस महामारी के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है क्योंकि ये संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में अन्य विकसित देशों की तुलना में इस महामारी से हमारे देश को कम क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि भारत में इस महामारी से 60,000 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि 142 करोड़ की आबादी वाले 15 सबसे विकसित देशों जहां 7 लाख मृत्यु दर्ज की गई है की तुलना में बहुत कम है। ये केवल प्रधानमंत्री के समय पर लिए गए निर्णय के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकाघाट क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीरखट के तटीकरण से क्षेत्र की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि का संरक्षण होगा। सरकार से आपके साथ आपके बीच में जो उपस्थित हैं माननीय जल शक्ति मंत्री जोरदार कार्यक्रम हो सकता था अगर हम उपस्थित होते, उसका मजा कुछ और आता अगर हम और आप लोग आमने सामने बैठे होते, नजदीक बैठे होते। इस कमी को मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको देख पा रहे हैं और आप हमको देख पा रहे हैं। भले ही आजकल संख्या में आप पाबंदी है, लेकिन उस पाबंदी के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में सरकाघाट में आज के इस कार्यक्रम के चश्मदीद गवाह और इस कार्यक्रम के सीधे दर्शन करने के लिए आप सब पहुंचे हैं, भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक साथ जो है वो 12 कार्यक्रम उद्घाटन के और शिलान्यास के हो रहे, जिसमें से 3 हमारे उद्घाटन के कार्यक्रम संपन्न हुए और उसके पश्चात 9 कार्यक्रम शिलान्यास के हुए। और कुल मिलाकर के अगर इस राशि को अगर जोड़ा जाए उद्घाटन के और शिलान्यास के सभी कार्यक्रमों की, तो यह राशि लगभग 95 करोड़ रुपए बनती है। 100 करोड़ से सिर्फ 5 करोड़ कम रह गई। और ठीक कह रहे थे यहां आदरणीय महेंद्र सिंह जी, जब पुराने जमाने की बातें अगर हम करें, हम एक साल तक एक स्कीम का इंतजार करते थे कि ये स्कीम बनकर के तैयार हो, और बनकर के तैयार होने के बाद जो है उसके बाद मुख्यमंत्री को हम निमंत्रण देने के लिए जाएं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ की स्कीम बनकर के तैयार हुई या 3 करोड़ की, 5 की तो बहुत कम होती थी, और हम होते थे कि इसका उद्घाटन करने के लिए आपको मिली। यानी कि मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान हम देखते थे कि ज्यादा से ज्यादा 2 कार्यक्रम या 3 कार्यक्रम या 3 से 4 कार्यक्रम उद्घाटन और शिलान्यास के हो पाते थे, और आज हम देख रहे हैं कि दर्जनों कार्यक्रम एक साथ जो है एक दीवार पर
जो शिला पट्टिकाएं लगा करके उद्घाटन के और शिलान्यास के कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और मैं आज विशेष तौर से सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के आपके लोकप्रिय विधायक और उनके साथ साथ में सारे हमारे संगठन की टोली, हमारी टीम और उसके साथ में हम वहां की जनता को और अधिकारियों को भी, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगभग 100 करोड़ की योजनाएं एक साथ आज दीवार पर आप देख रहे हैं, जिसका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। जल शक्ति, बागवानी और राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकाघाट में 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली प्रशिक्षण अकादमी से क्षेत्र के युवा लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 158 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र के सिर खड का तटीकरण किया जाएगा और इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश के लोग भाग्यशाली हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के परिश्रमी और ईमानदार नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और उन्नति के पथ पर अग्रसर है। हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन उनके लिए और आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है, उस नई पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं था। अगर एक सोच इस प्रदेश के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, और विशेष करके जहां सैनिक बाहुल क्षेत्र है, उस सैनिक बाहुल क्षेत्र के अंदर हमारा मंडी जिला का सरकाघाट का क्षेत्र है, बिलासपुर जिला है, हमीरपुर जिला है, कांगड़ा जिला है, जो सैनिक बाहुल क्षेत्र है, इस सैनिक बाहुल क्षेत्र के बीच में एक प्री कोचिंग सैनिक अकेडमी का कि अगर सोच किसी ने सोची, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी की सोच है। भाई और बहनों, 30 करोड़ की लागत से सरकाघाट की इस वीर भूमि पे जो है सैनिक को प्री कोचिंग सैनिक अकेडमी शुरू हो रही है। जल शक्ति विभाग के ही केवल मात्र 107 करोड़ की योजना है सरकाघाट क्षेत्र के लिए, और विशेष करके आदरणीय हमारे बड़े भाई कर्नल इंद्र सिंह जी के लिए माने मुख्यमंत्री जी की तरफ से इतनी बड़ी सौगातें हैं। मैं सरकाघाट के अपने सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से, भाई और बहनों, यहाँ चंद एक लाखों की बात नहीं है, चंद एक करोड़ों की बात नहीं है, सीर खड पे माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, शेखावत जी की कृपा से 158 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें सभी दुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, कर्नल इंद्र सिंह को बधाई देता हूँ। केवल मात्र एक सीर खड चैनलाइजेशन के लिए पैसा संस्कृत नहीं हुआ, 145 करोड़ जो है वो मेरे चुनाव क्षेत्र धर्मपुर के लिए सभी दुआ है, खड़ के लिए सबित हुआ है, कांगड़ा जिला के लिए 231 करोड़ रुपया नकेल खड़ के लिए सबित हुआ है, पोंटा सिरमौर जिला में यमुना नदी जो है वो पोंटा के उस बहुत उपजाऊ क्षेत्र को तोड़ती थी, उसके लिए 250 करोड़ सबित हुआ है, शिमला जिला के पब्बर नदी के लिए 190 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, और सबसे बड़ी परियोजना जो सिरमौर जिला के अंदर रेणुका बांध की परियोजना जो बनने जा रही है, जो लगभग 6,800 करोड़ की परियोजना है, उस 6,800 करोड़ की परियोजना को भी जल शक्ति मंत्री जी के माध्यम से जो है इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हुई है। 10 परियोजना थी पूरे देश की, 6 परियोजना हिमाचल प्रदेश की थी, 3 परियोजना महाराष्ट्र की थी, 1 परियोजना तमिलनाडु की थी, 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हुई है, जिसमें से केवल और केवल मात्र 7,774 करोड़ जो है हिमाचल प्रदेश की इन्वेस्टमेंट के लिए क्लियरेंस हुई है, तो सारा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। स्थानीय विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने सरकाघाट क्षेत्र में करोड़ों रुपए के लागत की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित तथा शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर विधायक प्रकाश राणा, भाजपा नेता नरेश कुमार, निशा व सीमा उपायुक्त मंडी ऋत्विक ठाकुर, पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री भी सरकाघाट क्षेत्र के बलद्वाड़ा में उपस्थित रहे।